इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोरोना के हालात पर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधे वहीं चलते हैं। डायरेक्टली प्रोक्योर की, इसके साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल लेवल पर भी 1.24 करोड़ डोजेस प्रोक्योर की गई, यानी कि पिछले माह में हम देखें तो टोटल वैक्सीन जो अवेलेबल थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट टू पीपल, देवर अराउंड 7.94 करोड़, और जिसमें से 6.1 करोड़ डोजेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन फील्ड में यूज की गई हैं। बाकी वैक्सीनेशन, जैसे कि इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, वह डोजेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेलेबिलिटी इन फील्ड लेवल पर एज पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टेट में अवेलेबल हैं। आज जरूरी है कि जब हम हर तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन एक्टिव केसेस, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी, इंक्रीज इन रिकवरी रेट एंड लेसर नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस जब नोट कर रहे हैं, तो हम अपने जो एफर्ट्स हैं, जो आउटपुट है, उसको प्रिजर्व करें। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, जिसके विषय में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कंटिन्यूड बेसिस पर हम लोगों से जब मिलें तो ग्रीट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, उसको अपनी नोज को और माउथ को कवर करें, साथ ही अपने एक रेगुलर बेसिस पर जैसे कि एक आदत होती है उसके तहत कि हम अपनी आंखों को, नोज को या माउथ को टच ना करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रॉपरली फॉलो की जाए, रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप, हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं, अननेसेसरी ट्रेवल एज फार एज फिजिबल उसको अवॉइड करें, और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें, और अगर कोई डाउट हो तो चाहे स्टेट की हेल्पलाइन या नेशनल हेल्पलाइन से बात कर सही सूचना प्राप्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर बलराम भार्गव जी। थैंक यू डॉक्टर लव अग्रवाल। एज वी नो दैट वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ फेरोशियस सेकेंड वेव, ऑल्दो इट हैज बीन अबेटिंग नाउ, एंड इफ यू लुक एट द डेटा, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल वी हैड लेस देन 200 डिस्ट्रिक्ट्स विच हैड मोर देन 10% पॉजिटिविटी, and in the end of April, last week of April, we had nearly 600 districts in the country which were more than 10% positive. So testing as well as containment has worked in these 6 to 8 weeks that we have done it, 6 weeks or so. We have found that today there are still 239 districts in the country which are more than 10% positive, 145 districts are between 5 and 10% positivity, and 350 districts, which is more than half of India, nearly half of India, is less than 5% positive. So we're moving in the right direction, and this testing which has been ramped up, and as well as the containment that has worked at the district level, has worked. However, it is not a sustainable solution. We have to find a mechanism how we have to ease our containment or lockdown, and that has to be done very gradually and very slowly. So it basically revolves, the opening up revolves on 3 pillars. One, the test positivity rate in that particular district has to be less than 5% over 1 week. So 7-day average has to be less than 5%. That is the first thing. The second point is the vulnerable individuals, that is elderly, more than 60, more than 45 with comorbidities, should be vaccinated tremendously, and their vaccination rate should reach up to 70%. This is the second point. And the third point is that community ownership for this whole program of COVID appropriate behavior as well as care should be taken up by the community in a big way. So this is
what are the three ways how we will gradually open up. We have to remember that our vaccination is being ramped up, and by December we hope to have the whole country vaccinated. We are a country where only, if you look at data, there is Pfizer and Moderna being produced by USA. You have the Sputnik produced by Russia. You have the Covishield produced by UK and India. You have the Sinovac produced by China. You have Covaxin produced by India. So India is one of the five countries which is producing vaccines. If we were not producing vaccines, imagine where would we be? So there is no shortage of vaccines. The shortage is what you feel if you want to vaccinate the country within a month. So we are vaccinating the country. It is a large population. The total number of vaccinations done in this country is nearly equivalent to the total number done in the United States, the number of doses. And we have also a large population. Our population is four times the population of the United States of America. So we have to be very clear and have some patience. By the middle of the year or early part of July or in middle of July or early August, we will have more than enough doses to vaccinate up to 1 crore per day. And we should be able to cover up this little, if you're going from destination A to destination B, if you're traveling by car or by train, sometimes the speed is high, sometimes the speed is slow. So you ultimately want to reach the destination in a limited time. And that is what our purpose is, to reach, cover the entire population by December, which we should be able to do. So you have to have patience. Why I'm saying patience is that the unlocking also has to be done very patiently, guided by the amount of vaccination that has been done for the vulnerable groups. Thank you. Dr. V.K. Paulji. Thank you, Dr. Bhargav. Thank you, love. I'd like to emphasize three points today. Firstly, I'd like to inform that our focus on childhood COVID disease is gaining our attention. We have said from this podium that pediatric population is generally asymptomatic. They get infection, often they get infection, but their symptoms are minimal, symptoms are nil. और अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड तो सीरियस शेप नहीं लेते, हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है. लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है. इसके ऊपर हमेशा से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसको सिस्टमेटिकली देखा गया है हमेशा से. और जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये क्लियर इमर्ज होता है कि अगर हम देखें कि एडमिशन मेन कोविड बड़ी फैसिलिटीज में जहां बच्चे भी दाखिल हो रहे हैं बहुत छोटे प्रोपोर्शन परसेंट में एडमिशन की जरूरत पड़ी है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पीडियाट्रिक केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई बोझ, एक्स्ट्रा बोझ, अनयूजुअल बोझ ऐसा हुआ हो. लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नजर रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे, और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का, और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलके काम किया गया सिस्टमैटिकली कि दोबारा देखा जाए. और जो भी साइंस अब अवेलेबल है जो 4 महीने पहले या 3 महीने पहले नहीं थी उसको भी देखा जाए, उस सबको देखते हुए, जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए
डेटा को समझते हुए, क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए, डिजीज डायनेमिक्स को देखते हुए, पेंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं और इसके ऊपर इनको अडॉप्ट किया जाएगा, प्रोसेस में है, एक आधे दिन में ये हो जाएगा काम। कहने का तात्पर्य यह है कि ये काम जो हमने यहाँ अर्लियर मेंशन किया था, अर्लियर आल्सो वी हैड मेंशन, वो काम तरीके से पूरा हुआ है और वी आर रीअश्योर यू कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो जरूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। लगता है कि 2-3% ऐसे बच्चे जिनको कि कोविड का चांस, बीमारी का हो, आए, अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है 2-3%, लेकिन हमारी तैयारी जो है उसके दुगुनी ढाई गुना कुछ होगी और वो सब हमारे सामने इस ग्रुप ने जो दिया है उसके ऊपर एक्शन होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके दो रूप हैं। एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ और फिर सांस तेज चलना शुरू हुआ, निमोनिया की शक्ल में हुआ, निमोनिया बढ़ गया और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अस्पताल में दाखिल होगा बिकॉज लंग में आता है एक वायरस। एक तो यह स्वरूप है इसका। लेकिन यह भी सामने आया कि ये कोविड होने के बाद 2-6 हफ्ते बाद ये खत्म हो गया, कोविड हुआ पता भी नहीं चला, हुआ तो खांसी जुकाम हुई, रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2-6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में, थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं या जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम मतलब एक बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जगह जगह इसका इफेक्ट है, ये पोस्ट कोविड है। याद, नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।